हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। और आज की वीडियो होने वाली ऑल ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है अपने ऑनर्स के अंदर, बी कॉम ऑनर्स के अंदर या बी ए ऑनर्स के अंदर। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके पास भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट है। तो वैसे तो ये जो बुक है ये सोल की साइड पे इंग्लिश मीडियम में अपलोडेड है, बट ये जो इसका पेपर आता है इतना हार्ड नहीं आता है। और इसका जो पेपर आएगा वो आपका टोटल 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश में पूरा पेपर आपका आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में से ही मैं आपको बताऊंगा। मैं इसके लिए कुछ अलग कोई मटेरियल यूज नहीं कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो इसमें टोटल जो आपका यूनिट है वो 5 यूनिट का टोटल चैप्टर है और हर यूनिट में आपके 2 से 3 चैप्टर्स बन रहे हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन, मतलब कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे पहले चैप्टर में। फिर आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है बिजनेस की, उसके बारे में लेसन 2 में पढ़ोगे। फिर आपका यूनिट 2 में बिजनेस इंटरप्राइजेस, जैसे फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, 1 पर्सन कंपनी, मल्टीनेशनल। ठीक है, पूरा ही ना ये जो सब्जेक्ट है ना पूरा बिजनेस के ऊपर है, पूरा बिजनेस के ऊपर। कंपनी कैसे काम करती है, कितनी तरह की कंपनी होती है, कंपनी में क्या क्या वर्क होता है, सारा उसके ऊपर है। ठीक है, फिर आपका यूनिट 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज एंड डायग्नोसिस। फिर आपका यूनिट 4 है इंटरप्रेन्योरशिप फाउंडिंग द बिजनेस, इंटरप्रेन्योरशिप फाउंडिंग द बिजनेस। फिर आपका कंटेम्प्रेरी इशूज इन द इंटरप्रेन्योरशिप। फिर आपका यूनिट 5 में है कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा आपका इसमें रहने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर दोनों मीडियम में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, बट मैं आज इस आपकी बुक में से टिक लगा रहा हूँ। और ये जो बुक है ना आप तैयारी कर लीजिए, ये जो आप ये जो ना ये हेडिंग, इन हेडिंग को आप सर्च मार लीजिए आपका गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको हर हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको इनके चैप्टर्स की जो भी वीडियोस हो मिल जाएगी। तो ज़रा देख लेते हैं, आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस होता क्या है। ठीक है, फिर आपका दूसरा अभी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कितने टाइप्स के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट। तीसरा भी है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, एक्सप्लेन आपको करना कितने डिफरेंट प्रकार की कॉमर्स होती है। ठीक है, फिर आपका इसमें इंपॉर्टेंट आपका एक हो जाएगा ये वाला, बस ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका। फिर आपका दूसरा चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, इसका देख लेते हैं, इसका कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों कर लेना, एक ही टॉपिक है इसके अंदर, ये चारों एक ही से बनेंगे। ठीक है, ये एक्ट भी पढ़ लेना, एक्ट 2013। ठीक है, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कॉर्पोरेट सोशल में वो आपको पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे चैप्टर से ये वाला, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है 1, 2, 4। फिर आपका ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, LLP वाला, बस यही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट है
यूनिट 3 का बिजनेस एनवायरमेंट एनालाइज एंड डायग्नोसिस। इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, पीडीएफ से करा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका इंटरप्रेन्योरशिप फाउंडिंग द बिजनेस, इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्टेम्परी इश्यूज इन द इंटर्प्रेन्योरशिप, मतलब जो समकालीन आज के समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इंटर्प्रेन्योरशिप करने में, ठीक है। ये बिजनेस का ये एक दूसरा रूप है इंटर्प्रेन्योरशिप, सब काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे लोग करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट इसके साथ ऑन करना, ठीक है। फिर आपका वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, ये है आपका लास्ट यूनिट, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। फिर आपका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी विशेषता है, क्यों इतना जरूरी होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 बस, ठीक है। पढ़ लेना वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना, फिर पूरा निकल जाएगा। फिर आपका है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बस ठीक है, और मत करना इसमें। उसके बाद आपका लेसन 3 है, जो मैं बता रहा हूँ ना इनको कर जाना, फिर देख लेना आपके पेपर में। रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें देख लेते कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका व्हाट आर द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन आपका, फिर इसमें इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन विद हेल्प ऑफ द केस स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और आपका इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, बस इससे ज़्यादा नहीं है इसमें। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नहीं नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, यानी यही है सारे, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, बस ये कर जाना और आपका जो पेपर है आराम से निकल जाएगा। तो ये थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो, वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक।